पहले रुक कर लेते हैं इंदौर का। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी अर्जुन और पीयूष को क्राइम ब्रांच की टीम ने मंडीदीप से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी अपने एक रिश्तेदार के घर पर छिपे हुए थे। दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम लेकर के इंदौर पहुंचेगी। रविवार सुबह शहर में भगवा रैली का आयोजन होना था, जिसकी तैयारी में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी अपने दोस्तों के साथ लगा हुआ था और गणेश मंडपम सभागृह के सामने चौक पर बैनर पोस्टर लगवा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक मोनू के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा। मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकाली और मोनू के सर पर गोली मारकर वहां से फरार हो गए। तो हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कल दिन दहाड़े बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी परसों, और इस मामले में अब दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद इंदौर में काफी आपने देखा था किस तरह से आगजनी की गई थी, आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया था और अब जाकर के दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। खबर यह मिली कि रिश्तेदार के घर पर ये छिपे हुए थे, उसके बाद मंडीदीप से इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें रविवार सुबह शहर में भगवा रैली का आयोजन होना था, जिसकी तैयारी में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी भी लगा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। गणेश मंडपम के सभागृह के सामने चौक पर वो बैनर पोस्टर लगवा रहा था। इसी दौरान दो आरोपी बाइक से वहां पर पहुंचे, उसका मोबाइल नंबर मांगा और जब उसने अपना मोबाइल निकाला तो उस दौरान पिस्टल निकालकर सरेआम उसे गोली मार दी गई और जिससे मोनू कल्याणी की मौत हो गई। उसके बाद से ये आरोपी फरार थे और अब जाकर के दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद आपको बता दें इंदौर में काफी तनाव की स्थिति देखने को मिली, जगह जगह आगजनी कर दी गई थी, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। और अब सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मोनू कल्याणी हत्याकांड के मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुरानी रंजिश माना जा रहा था इस पूरे हत्याकांड की वजह, अब जब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तो पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, इस मामले में अगर बात करें तो पुलिस अब से कुछ ही देर में विधिवत तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल जो इस पूरे मामले में जानकारी मिली है कि ये पूरी जो लड़ाई थी ये वर्चस्व की लड़ाई थी। इसी क्षेत्र का एक बीजेपी का नेता था जो कि मोनू कल्याणी के लगातार बढ़ रहे भाजपा में कद से परेशान था और इस यात्रा को निकालने के लिए मना भी किया गया था। एक बात ये भी आ रही है कि एक गैंगस्टर ने बीच में एक बड़ी यात्रा निकाली थी और इस यात्रा को लेकर मोनू कल्याणी ने अपने क्षेत्र में ये बात फैलाई थी कि वह इससे भी बड़ी एक भगवा यात्रा निकालेगा, और इसी बात से कहीं ना कहीं ये जो मोनू कल्याणी और उसके समर्थक जो थे उनको लगातार ये भगवा यात्रा न निकालने की हिदायत दी जा रही थी। ये यात्रा जो निकालने के लिए तैयारी कर रहे थे, इसके लिए अर्जुन और पीयूष दोनों ने ही मोनू को मना किया था कि वो यात्रा नहीं निकाले, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी तैयारियों पे थे और लगातार मोनू को यात्रा नहीं निकालने की धमकियां भी मिल रही थी। लेकिन इसके बाद में पूरी तैयारियां की गई और बताया जा रहा है कि मोनू और पीयूष इसमें मात्र मोहरा मात्र हैं और इसके पीछे की कहानी जो है एक बहुत बड़ी वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, क्योंकि एक भाजपा नेता जो कि कई सालों से इस क्षेत्र से रहकर तैयारी कर रहा था आने वाले समय में पार्षद का चुनाव, पार्षद का टिकट उसको मिल सकता था, और लेकिन उसके ही बनिस्बत अगर बात की जाए तो उसके ही लेवल पर आकर मोनू कहीं ना कहीं अपनी एक छवि तैयार कर रहा था और कहीं ना कहीं विजयवर्गीय गुट का एक मजबूत नेता बनकर वह इस क्षेत्र में उभर रहा था। और जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय से काफ़ी नज़दीकियाँ हो गई थी और कैलाश विजयवर्गीय बाकायदा मोनू को नाम से जानते भी थे और इस क्षेत्र में जिस तरीके से उसने आकाश विजयवर्गीय के चुनाव में पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में काम किया था उससे काफ़ी खुश भी थे और इसके कारण उसकी जो वर्चस्व जो इस क्षेत्र में बढ़ा वो काफ़ी बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई भी थी। पीयूष और अर्जुन जो हैं वो दोनों भी नहीं चाहते थे कि जो मोनू है वो क्षेत्र का बड़ा नेता बने, क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि 5 महीने पहले अर्जुन को ही किसी मामले में मोनू ने थाने से छुड़वाया था, किसी मारपीट या चोरी के मामले में उसने इसका पूरा मामला सेटल करवाया था, लेकिन बावजूद उसके दोनों ने मिलकर उसी की हत्या कर दी। तो फिलहाल इस मामले में दोनों को पुलिस ने भोपाल के मंडीदीप से गिरफ्तार कर इंदौर लेकर आ गई है। कुछ देर बाद इसमें प्रेस वार्ता होनी है और बाकी सभी बातों का खुलासा जो है पुलिस जल्दी कर देगी। जी रवि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल जब ये मामला सामने आया था उसके बाद काफी आक्रोश देखने को मिला, कई जगह आगजनी की गई, आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया गया था, क्या अभी पूरी स्थिति कंट्रोल में है, क्या अभी भी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है? ये
देखिए बिल्कुल, पुलिस बल की तैनाती जो है आरोपियों के घर के आसपास, अभी फिलहाल आरोपियों को जब कोर्ट पेश किया जाएगा उसके पहले पुलिस की बहुत ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि मोनू कल्याणे, अर्जुन और पीयूष की अगर हम बात कर लें तो ये दोनों एक ही समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं इनके परिवार में काफ़ी ज़्यादा रोष है। बड़ी संख्या में युवा जो है वो बदला लेने की बात कर रहे हैं। कल जैसा कि हमने बताया था कि कुछ मोनू के समर्थकों ने एक वीडियो बनाते हुए घर में आग लगाते हुए गाड़ियों को जलाते हुए एक वीडियो भी डाला था कि बदला लेना अभी बाकी है, यानी कि कहीं ना कहीं एक अंदेशा ज़रूर है कि पुलिस कस्टडी में कहीं आरोपियों को कुछ ना हो, इसलिए पुलिस ने भारी बल तैनात किया हुआ है आरोपियों के घर के यहाँ पर, पुलिस बल तैनात है। साथ ही अभी जब तक उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे उसके पहले पहले भी एक बड़ा पुलिस बल जो यहाँ पर रहेगा, सतर्कता रखना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो आरोपी जो मृतक मोनू कल्याणे हैं उसके परिवार के लोग, उसके भाई, उसके अन्य जो उससे जुड़े हुए समर्थक, वो भी काफ़ी गुस्सा हैं और वो भी किसी हद तक बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए भी कि वह आक्रोश कितना है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कल की, जब किस तरह से आरोपी के घर को जला दिया गया था और अभी भी पुलिस वहां पर मुस्तैद है, एहतियातन यहां पर बरता गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना होने पाए। आप नजर बना के रखिएगा, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।